आज चर्चा करेंगे वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि इस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया में वायर का प्रयोग नहीं होता है, इसीलिए इसको वायरलेस का नाम दिया गया है। वायरलेस और अनबाउंड और अनगाइडेड मीडिया ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इस प्रकार के ट्रांसमिशन मीडिया में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग अ फिजिकल कंडक्टर, मतलब इसमें कोई फिजिकल कंडक्टर जैसे कि वायर का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रयोग किया जाता है। द सिग्नल्स आर ब्रॉडकास्टेड थ्रू एयर और वाटर एंड दस आर अनअवेलेबल टू एनी वन दैट हैज अ डिवाइस कैपेबल ऑफ रिसीविंग देम। ये सिग्नल जो है ब्रॉडकास्ट किए जा सकते हैं एयर में भी और वाटर में भी। इस प्रकार से ये जो है अवेलेबल रहते हैं जिनके पास इनको रिसीव करने की डिवाइस होती है। सम ऑफ द वायरलेस मीडिया आर, इस प्रकार से कुछ वायरलेस मीडिया इस प्रकार हैं। पहली वायरलेस मीडिया है इंफ्रारेड। इंफ्रारेड इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट दैट इज नॉट विजिबल टू ह्यूमन आई। इंफ्रारेड एक ऐसी फ्रिक्वेंसी है लाइट की जिसको कि मनुष्य की आंखें नहीं देख सकती हैं। इट हैज अ रेंज ऑफ वेवलेंथ जस्ट लाइक विजिबल लाइट हैज वेवलेंथ फ्रॉम रेड लाइट टू वायोलेट लाइट। मनुष्य की आंखें केवल उसी फ्रिक्वेंसी की लाइट या वेवलेंथ को देख पाती हैं जिनका वेवलेंथ वायलेट और रेड के बीच में होता है। फार इंफ्रारेड वेव्स आर थर्मल। इंफ्रारेड की वेवलेंथ रेड से अधिक होती हैं, लाल रंग की वेवलेंथ से अधिक होती हैं, इसीलिए इनको इंफ्रारेड नाम दिया गया है। इंफ्रारेड वेव्स थर्मल भी होती हैं क्योंकि ये गर्मी पैदा करती हैं। दिस इज द रीजन वी फील द हीट फ्रॉम सनलाइट। इसी कारण हमें सूर्य की धूप में गर्मी का एहसास होता है क्योंकि उससे इंफ्रारेड जो वेव निकलती हैं उसमें गर्मी होती है। अ फायर और अ रेडिएटर शॉर्टर नियर इंफ्रारेड वेव्स आर नॉट हॉट एट ऑल। तो इंफ्रारेड वेव्स इतनी ज़्यादा मतलब गर्म नहीं होती हैं। इनफैक्ट वी कांट इवन फील देम। इंफ्रारेड को हम फील नहीं कर सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं। दीज शॉर्टर वेव लेंथ्स आर द वंस यूज्ड बाई योर टीवी रिमोट। ये शॉर्ट वेवलेंथ जो इंफ्रारेड की होती हैं उसको आप टीवी रिमोट में यूज करते हो। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन रिक्वायर अ ट्रांसीवर, अ कम्बिनेशन ऑफ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर इन बोथ डिवाइसेस एंड कम्युनिकेट दैट कम्युनिकेट। तो इंफ्रारेड डिवाइस के लिए एक ट्रांसमीटर और रिसीवर का होना आवश्यक है। जैसे कि आप टेलीविजन में रिमोट यूज करते हो तो आपका जो रिमोट कंट्रोल होता है वो ट्रांसमीटर होता है और इसका रिसीवर जो है टीवी में लगा होता है। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन इज प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है वायरलेस डेटा कम्युनिकेशन में। ड्यू टू द पॉपुलैरिटी ऑफ लैपटॉप कंप्यूटर्स पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट डिजिटल कैमराज मोबाइल फोन्स पेजर्स एंड अदर डिवाइसेस, बट बीइंग अ लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन इट इज सेंसिटिव टू फॉग एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। इंफ्रारेड कम्युनिकेशन का उपयोग या वायरलेस कम्युनिकेशन का उपयोग बहुत पॉपुलर हो रहा है, जैसे कि लैपटॉप कंप्यूटर्स में,
पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट PDA में डिजिटल कैमरा, मोबाइल फोन्स, पेजर्स और दूसरी डिवाइसेस में इंफ्रारेड ट्रांसमिशन बहुत ही पॉपुलर है। इट इज़ सेंसिटिव टू फॉग एंड अदर एटमॉस्फेरिक कंडीशन। ये सेंसिटिव होते हैं फॉग और दूसरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन के लिए, इंफ्रारेड जो वेव्स होती हैं ये सेंसिटिव होती हैं। अब चलिए देखते हैं कि इंफ्रारेड के क्या एडवांटेजेस हैं। सिंस इट इज हैविंग शॉर्ट रेंज ऑफ कम्युनिकेशन, हेंस इट इज कंसीडर्ड टू बी अ सिक्योर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। इंफ्रारेड का उपयोग छोटी दूरी के लिए किया जा सकता है, इसलिए ये ट्रांसमिशन जो है सुरक्षित होते हैं। इट इज क्वाइट इनएक्सपेंसिव ट्रांसमिशन मीडिया, ये सस्ते ट्रांसमिशन मीडिया होते हैं। डिसएडवांटेजेस, इट कैन ओनली बी यूज्ड फॉर शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन। इंफ्रारेड का उपयोग जो है कम दूरी के लिए किया जा सकता है। इंफ्रारेड वेव ट्रांसमिशन कैन नॉट पास थ्रू ऑब्स्टिकल्स लाइक वॉल्स, बिल्डिंग एसेट्रा। जो इंफ्रारेड वेव्स होती हैं ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, पास नहीं कर सकती, गुजर नहीं सकती हैं कुछ ऑब्स्टिकल्स, जैसे कि ये वॉल दीवार को क्रॉस नहीं कर सकती हैं, बिल्डिंग एक बिल्डिंग को क्रॉस नहीं कर सकती हैं। ये कुछ लिमिटेशंस होती हैं इंफ्रारेड वेव्स की। चलिए दूसरी रेडियो वेव्स के बारे में देखते हैं। दूसरी वेव्स हैं रेडियो वेव्स। वी ऑल आर क्वाइट फेमिलियर विथ रेडियोज एंड देयर वर्किंग। हम अपने दैनिक जीवन में रेडियो का उपयोग तो करते ही हैं, साथ ही हम उसकी कार्य पद्धति